प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, आग बुझाना नहीं चाहते हैं। यह है सच्चाई। अगर इस देश में हिंसा हो रही है, दर्द हो रहा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 2 घंटे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। विषय कांग्रेस नहीं था, विषय मैं नहीं था, विषय मणिपुर है। मणिपुर में क्या हो रहा है और उसको एकदम क्यों नहीं रोका जा रहा है, ये विषय है। हमें मणिपुर में दौरा करना था। जब हम मेटे एरिया में गए, हमें साफ कहा गया था कि अगर आपकी सिक्योरिटी डिटेल में कोई भी कुकी होगा, उसको आप यहां मत लाइए क्योंकि हम उसको मार देंगे। और जब हम कुकी के एरिया में गए, हमें कहा गया अगर कोई मेटे आपकी सिक्योरिटी डिटेल में होगा, उसको आप मत लाइए, उसको हम गोली मार देंगे। हम जब गए, हमें मेटेज को परे करना पड़ा, हमें कुकीज को परे करना पड़ा। मतलब एक स्टेट नहीं है, आज 2 स्टेट हैं। स्टेट की हत्या कर दी गई है और उसको चीर दिया गया है। इसलिए मैंने बोला हिंदुस्तान की हत्या मणिपुर में बीजेपी ने कर दी है। जो मणिपुर में हो रहा है, हिंदुस्तान की सेना उसको 2 दिन में रोक सकती है, 3 दिन नहीं लगेंगे। अगर हिंदुस्तान की आर्मी को कहा गया कि यह तमाशा बंद करो, 2 दिन में यह तमाशा ड्रामा बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, आग बुझाना नहीं चाहते हैं। यह है सच्चाई। द स्टेट ऑफ मणिपुर इज ऑन फायर एंड हैज बीन ऑन फायर फॉर 4 मंथ्स। वुमेन एंड चिल्ड्रन आर डाइंग ओवर देयर, पीपल आर बीइंग मर्डर्ड, वुमेन आर बीइंग मोलेस्टेड, आर बीइंग रेप्ड, एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ द पार्लियामेंट शेमलेसली लाफिंग। नहीं, अभी मैंने बोला ना, वही तो जवाब है। मुझे प्रधानमंत्री को जवाब देने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक स्टेट की हत्या की गई है, भारत माता की हत्या कर दी गई है मणिपुर में। भारत माता की हत्या मणिपुर में कर दी गई और प्रधानमंत्री लोकसभा में मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं, नारे लगवा रहे हैं। मुझे क्या जवाब देने की जरूरत है? शायद पीएम मेरा चेहरा टीवी पे नहीं देखना चाहते, मगर फिर पीएम मेरी वीडियो के बारे में बात करते हैं, तो पता नहीं क्या है, बट मुझे लगता है शायद उनको मेरा चेहरा टीवी पे देखना अच्छा नहीं लगता। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मैंने बोलना था, देखिए मुझे अपना काम करना है। मैं जानता हूँ कि मीडिया पे कंट्रोल है, लोकसभा राज्यसभा टीवी पर कंट्रोल है, वो उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, मगर मुझे अपना काम करना है, मैं अपने काम को करता हूँ। जहाँ भी भारत माता पर आक्रमण होगा, वहाँ मैं आपको खड़ा मिलूँगा, भारत माता की रक्षा करते हुए मिलूँगा।